हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हो सके तो श्री राम के पास जाकर उनसे प्रार्थना करिए कि वो रावण के पापों का दंड उनकी निर्दोष प्रजा को न दे। परंतु युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है, और ये युद्ध अवश्य होगा। फिर तो और आवश्यक है उनसे मिलकर युद्ध का रुख इस प्रकार मोड़ा जाए जिससे प्रजा की कम से कम क्षति तो न हो। इसके लिए आपको श्री राम जी से मिलकर उनका विश्वास पात्र बनकर युद्ध की बागडोर संभालने में सम्मिलित होना पड़ेगा। मैं श्री राम का भक्त अवश्य हूं, परंतु इस समय वो लंका के शत्रु हैं। क्या मेरा धर्म उनका साथ देने की आज्ञा देता है? महाराज ने भी कह दिया कि लंका से चले जाओ। मैंने भी कह दिया कि लंका छोड़ दूंगा। कहना आसान था, परंतु अपनी जन्मभूमि को छोड़ना कठिन लगता है। मुझे बार बार अपनी प्रजा और राक्षस जाति का ध्यान आता है। केवल एक पापी के पाप और अहंकार के कारण सारी निर्दोष प्रजा मारी जाएगी। वीर राक्षस जाति का नाम मिट जाएगा। अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व का आभास बार बार मन में उठता है। इस समस्या का कोई समाधान नहीं दिखता। मैं कैसे अपनी मातृभूमि का समूल विध्वंस होने से बचा सकूं? अब इन बातों के सोचने का समय नहीं रहा। इससे पहले कि महाराज रावण के मन में आपको बंदी बनाकर कारागार में डालने का विचार आ जाए, आपको यहां से निकल जाना चाहिए। पर मैं कहां जाऊं? हो सके तो श्री राम के पास जाकर उनसे प्रार्थना करिए कि वो रावण के पापों का दंड उनकी निर्दोष प्रजा को न दे। परंतु युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है, और ये युद्ध अवश्य होगा। फिर तो और आवश्यक है उनसे मिलकर युद्ध का रुख इस प्रकार मोड़ा जाए जिससे प्रजा की कम से कम क्षति तो न हो। इसके लिए आपको श्री राम जी से मिलकर उनका विश्वास पात्र बनकर युद्ध की बागडोर संभालने में सम्मिलित होना पड़ेगा। मैं श्री राम का भक्त अवश्य हूं, परंतु इस समय वो लंका के शत्रु हैं। क्या मेरा धर्म उनका साथ देने की आज्ञा देता है? हाँ राजन, पहली बात तो ये कि श्री राम लंका के शत्रु नहीं, रावण के शत्रु हैं। वो रावण जो इस समय एक प्रकार का देशद्रोही है, क्योंकि इस समय वो निजी काम की अग्नि में भड़का हुआ किसी का उपदेश ना मानकर धर्म, नीति और मर्यादा को अपने अहंकार के पांव तले रोनता हुआ सारे देश को युद्ध की आंख में झोंक रहा है। इसलिए इस देश को बचाने के लिए रावण का अंत आवश्यक है। उसके दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि आपके पास ऐसी सेना की शक्ति हो तो उसे सिंहासन से उतारकर राम के साथ संधि कर ली जाए, परंतु यह संभव नहीं। इसलिए दूसरा एक ही रास्ता है कि आप स्वयं श्री राम से मिलकर युद्ध का संचालन ऐसे करें जिसका लक्ष्य केवल उस आततायी रावण का अंत हो। इस समय यही आपका धर्म है। यह इतना गंभीर विषय है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले इसमें गुरुजन की सम्मति और आशीर्वाद आवश्यक है। अतः मैं अपनी माता के पास जाता हूं, वो जैसी आज्ञा देंगी मैं वही करूंगा।